वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महान संत गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया था, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। न्याय, समानता और सेवा पर आधारित उनकी शिक्षा हर युग में लोगों को प्रेरित करती रहेगी। देखिए वीडियो। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उन्होंने जो दर्शन दिया है वही सही जीवन जीने का रास्ता, और वह भी बहुत सरल तरीके से दिखाता है। रविदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पार रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जा। मतलब जाति केले के पत्तों की तरह है, जहां पत्तों के भीतर पत्ते होते हैं, जातियों में भी ढेर सारी जातियां हैं। ऐसे में जब तक जाति के नाम पर किसी से भेदभाव होगा, तब तक सभी मनुष्य एक दूसरे से पूरी तरह नहीं जुड़ पाएंगे। संत रविदास जी ने अपने संदेशों के माध्यम से अपने पूरे जीवन काल में श्रम और श्रमिक की अहमियत को समझाने का प्रयास किया। संत रविदास जी के संदेशों ने हर तबके, हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है। संत रविदास जी को नमन करता हूं। एसपीएन 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।